हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, डेट इज नर्स्ड इक्वेशन। आज हम नर्स्ड इक्वेशन को लेकर के बात करने वाले हैं आपसे। जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर में हमने ईएमएफ के रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन किया था। अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट्स की बात करते हैं, या आप कह सकते हो स्टैंडर्ड कंडीशंस को लेकर के बात करते हैं, ठीक है जी, तो उस कंडीशन में अगर हम ईएमएफ निकालते हैं, ई सेल की बात करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में, यानी ई नोट सेल, नोट लगा के रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब है हमारे पास में स्टैंडर्ड की बात हो रही है भाई। तो ई नोट सेल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये हमने लास्ट टाइम में फॉर्मूला लिया था। स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको ध्यान होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि हमारा जैसे कि टेम्परेचर है वो हमारा 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर आपका 180 एम होना चाहिए, और कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए। तो बेसिकली हमारा जो मेन पर्पज है यहाँ पर इस इक्वेशन का, कि अगर हमारे पास में स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर मेंशन ना हो, और वहाँ पर अगर आपने ईएमएफ निकालना है किसी भी सेल के लिए, या किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में आपको इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस इक्वेशन को भाई क्या रोल है इस इक्वेशन का, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका स्टैंडर्ड स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है जी, जब हमारी 1 मोलर कंसंट्रेशन को लेकर के बात हो रही हो, और टेम्परेचर बेसिकली वहाँ पे क्या हो, 298, ठीक है जी, प्रेशर आपका 180 एम है। तो ये वाली इक्वेशन है, अगर हमारे पास में नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर हमारे पास में गिवन है, तो उस कंडीशन में आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, अगर आपने सेम ईएमएफ निकालना है। तो नर्स्ड इक्वेशन बेसिकली क्या है हमारी, देखिए इसके लिए हमारा नर्स्ड ने एक फॉर्मूला दिया था आपको, ई इक्वल टू में आप बोल रहे हो ई नोट माइनस 2.303 आरटी अपॉन में एनएफ लॉग, आप बोलेंगे प्रोडक्ट अपॉन व्हाट रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला दिया था नर्स्ड ने, इसी को आप नर्स्ड इक्वेशन बोल रहे हो आप। इस इक्वेशन की हेल्प से हम ईएमएफ निकालने की बात करेंगे, जब कंसंट्रेशन हमारे पास डिफरेंट गिवन हो, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने की बात करेंगे, यहाँ तक कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करेंगे आपसे इस इक्वेशन के थ्रू। यानी आपके पास 3 केसेस आ जाएंगे यहाँ पर इस इक्वेशन के केस में। फर्स्ट हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ आप बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, फर्स्ट केस। सेकंड केस हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज, एक ही बात होती है। कई बार क्या होता है कि भाई ईएमएफ ना देकर के सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल बोल देते हैं, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज आते हैं कि भाई न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि भाई तीनों का मतलब हमारा एक ही है, चाहे सेल वोल्टेज कह लें, सेल पोटेंशियल कह लें, या ईएमएफ कह लें। तो कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, तो एक केस हम ये फॉलो करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन के केस में। थर्ड केस है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा ये टॉपिक बोर्ड के एग्जाम में। एक्चुअली में ये 5 मार्क्स में ये चैप्टर आता है, जिसमें हमारे पास में 3 मार्क्स का तो न्यूमेरिकल पैटर्न बनता है। तो 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल पैटर्न में ये पैटर्न भी आपका 3 मार्क्स की वेटेज रखता है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो ईएमएफ वाला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हमारे को ईएमएफ निकालने को बोलते हैं, और 3 मार्क्स के वेटेज में ये न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है, और फॉर्मूले सभी इंपॉर्टेंट है, बट जो ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल पैटर्न आता है वो ज़्यादातर इस पर ज़्यादा बेस्ड आता है आपका न्यूमेरिकल बोर्ड के अंदर, और वेटेज होती है 3 मार्क्स। तो मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ, इन्हीं 3 कंडीशंस की बात करेंगे यहाँ पर हम। एक तो सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना, ईएमएफ सेल का निकालना, और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। तो
तो वन बाय वन करके हम लेते हैं इन सभी कंडीशंस को। आप जैसे मैं केस फर्स्ट लेने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, आपको किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन को वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है जी। तो पहले तो एक मैं बात बताता हूँ आपको, ये जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास में, इस इक्वेशन की जो बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले हम, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ऊपर देख रहे हो आप, यहाँ पर जो R है, एक्चुअली में R क्या है बोलेंगे तो R यहाँ पर क्या है हमारा गैस कांस्टेंट है, R क्या है हमारे पास में गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी होती है इसकी बोलेंगे तो हम भाई 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये होती है हमारी गैस कांस्टेंट यानी कि R की वैल्यू। अब T यहाँ पे क्या है, टी एक्चुअली में क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन होता है हमारा, क्या होता है जी, टेम्परेचर इन केल्विन। ज़्यादातर हम रूम टेम्परेचर को लेकर ही बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको रूम टेम्परेचर ही मेंशन होता है। ये जो आपका इक्वेशन है, हम देख रहे हैं ज़्यादातर हमारे को जो केसेस नज़र आएंगे वहाँ पे ये कंसंट्रेशन हमारी चेंज हो रही होगी, वन मोलर के बजाय कोई डिफरेंट कंसंट्रेशन गिवन होगी, उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम EMF निकालने की बात कर रहे होंगे। बट जो मेजरमेंट है हमारा, जो EMF की बात कर रहे हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ही मेज़र करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। भाई आप लैब में रिएक्शन कराते हो तो आप यही सोच के कराते हो ना कि भाई आपका बाहर से कोई हमारे को टेम्परेचर की ज़रूरत ना पड़े, तो हम तो यही चाहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो। तो रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 कर देंगे आप, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है वैल्यू, प्लस 25 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 298 केल्विन, ये टेम्परेचर हो गया आपका। अब एफ यहाँ पर क्या है, एफ हमारे पास यहाँ पे फैराडेज कांस्टेंट है, एफ यहाँ पे क्या है जी, फैराडेज कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, आपको मालूम है 96500 कूलम्स, 96500 कूलम्स के बराबर वैल्यू होती है फैराडे कांस्टेंट की। अगर हम इन सभी वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ पे रख दें, यानी अब आपके पास और करके हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू में E नॉट माइनस, अब वैल्यू उठा रहे हैं देखिए 2.303, R की जगह रख दिया हमने 8.314, टेम्परेचर कितना हो गया 298। अब N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्चुअली में N का मतलब यहाँ पर क्या है, N इक्वल टू क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है जी। एन की वैल्यू केस के हिसाब से देखेंगे, फिलहाल अभी आपके पास फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास 96500, ये हो जाएगा लॉग, आप क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट हो गया अपॉन में रिएक्टेंट, ठीक है जी, ये तीसरी बात होगी। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करने पड़े, तो इसके लिए हम इनके सभी की मल्टीप्लिकेशन और 96500 से जो डिवाइड करके वैल्यू आएगी उस वैल्यू को फॉलो कर लेंगे हम, E इक्वल टू में, तो कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगी एग्जाम में। तो आपके पास ये सारी वैल्यू जब मल्टीप्लाई करोगे आप, 96500 से डिवाइड करोगे आप, तो वैल्यू हो रही है 0.0591, और ये अपॉन में एन है, ये देखिए लॉग, आप क्या बोल रहे हो जी, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो ये देख रहे हो आप, तो फॉर्मूला आपका क्या हो गया, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूले को, तो ये शॉर्ट हो गया हमारा, देख लीजिए, जब हमने R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू पुट अप कर दी यहाँ पे और उनको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास 0.0591 हो जाता है। तो आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप आगे बात करने वाले हैं आप, ठीक है जी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं आपको, इन प्योर स्टेट्स ध्यान रखना आप, इन प्योर स्टेट्स, ठीक है जी, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हैविंग देयर मोलर कंसंट्रेशंस, मोलर कंसंट्रेशन
इन देखो प्योर स्टेट्स, अगर प्योर स्टेट में कोई सॉलिड है या लिक्विड है या कोई गैस है, हैविंग देयर मोलर कंसंट्रेशन इक्वल टू यूनिटी, यानी आप चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, अगर वो प्योर स्टेट में है तो उसकी कंसंट्रेशन को क्या लेके चलना होता है, आपको यूनिटी लेके चलना होता है, यानी वन लेके चलना होता है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल ईजी होने वाला है अब आपके लिए। देखिए अब मैं फर्स्ट केस लेने जा रहा हूँ जी, इसमें हमने क्या करना है, कोई सिंगल इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, कोई सिंगल इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, उसकी कोई रिडक्शन रिएक्शन दिखा रखी है हमने, और आपको बोलते हैं कि भाई उसके लिए आप उसका पोटेंशियल निकाल के बताइए आप। यानी मैं आपसे फर्स्ट केस लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। देखिए आप, आपको क्या करना है, सिंगल इलेक्ट्रोड है कोई भी और उसका पोटेंशियल आपने निकालना है जी। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन दे रखी है हमारे पास में, ठीक है जी, लेट करके हम ले लेते हैं, ये कॉपर 2+ है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन मान लीजिए 0.1 मोलर दे रखी है, देखो 1 मोलर से डिफरेंट है ये वैल्यू, इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ये कन्वर्ट हो जा रहा है कॉपर सॉलिड में। अब स्टैंडर्ड स्टेट में इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है E0 कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर, ये वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट, यानी मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और हम अब इस कंसंट्रेशन के हिसाब से E की वैल्यू निकालने वाले हैं। हमें क्या निकालना है जी, आपको E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए कैसे निकालेंगे भाई, हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम ये जो फॉर्मूला मैंने नीचे बताया हुआ है आपको, देखिए E इक्वल टू में क्या हो जाएगा, E नॉट हमें किसका रखना है जी, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर। अब देखिए माइनस 0.0591, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, आप देख रहे हो भाई 2 हैं, यानी ये हो गई एन की वैल्यू, तो आपने यहाँ पे 2 रख दिया लॉग, ठीक है जी। अब देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एरो के इस साइड क्या होगा, ये आपका कॉपर सॉलिड क्या आपका प्रोडक्ट है, ये क्या हमारा प्रोडक्ट है, एरो के इस साइड में रिएक्शन तो दिखाई दिया आपने, एरो के इस साइड में ये कॉपर 2+ है, ये क्या हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, तो प्रोडक्ट में क्या है, देखो कॉपर सॉलिड आ जाएगा, यानी ये अब ये आ जाएगा कॉपर 2+, ठीक है जी, कॉपर 2+ एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये आयन मिलेंगे हमारे पास में, यानी ये आप देखिए कॉपर सॉलिड की जो वैल्यू है, कॉपर सॉलिड जो है मैंने अभी आपको बताया प्योर स्टेट में होगा कॉपर सॉलिड, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बोलेंगे, तो भी बोलेंगे कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, यूनिटी, कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बोलेंगे तो यूनिटी, ये आपका कॉपर सॉलिड क्या है, यूनिटी हो गया, क्योंकि आपका प्योर स्टेट है ये, तो E इक्वल टू क्या हो गया, अब देखो इसकी वैल्यू रख दो 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 लॉग 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.1, कर लोगे ना सॉल्व आगे आप इसे, तो आप इस तरीके से देखिए आगे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, है ना, सिंपल, देख लीजिए आप, आपने देखा सिंगल इलेक्ट्रोड के केस में हमने ये पोटेंशियल फाइंड आउट किया, क्लियर है। इसके बाद देखिए अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, जिसमें हमारे को बात कर रही थी किसकी थी, EMF ऑफ सेल की, सेकंड केस की बात करने जा रहे हैं, जिसमें बात करनी है मैंने आपसे कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, EMF ऑफ सेल। अब EMF ऑफ सेल की बात करेंगे तो कोई सेल आपको रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए हम वही अपना सेल लेते हैं, ZN है, डैनियल सेल ले लेते हैं, सॉलिड हो गया, और जिंक ZN2+ आयन, ठीक है जी, ZN2+ आयन, अब ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 0.1 मोलर है,
सॉल्ट ब्रिज है हमारे पास में, कॉपर टू प्लस, कॉपर टू प्लस, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.01 दे रखी है मोलर, और ये हो गया जी कॉपर सॉलिड। और आपको गिवन है, आपको गिवन है ई नॉट की वैल्यूज दे रखी है कॉपर टू पॉजिटिव एन कॉपर के लिए, ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 0.34 वोल्ट, और आपको ई नॉट की वैल्यू गिवन है जेड एन टू पॉजिटिव एन जेड एन के लिए, जेड एन के लिए तो ये वैल्यू दे रखी है नेगेटिव में 0.76 वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, हमारे को ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, तो ई सेल इक्वल टू में ई नोट। अब ई नोट क्या हो गया, वहाँ पहले सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए था, अब ये पूरे सेल के लिए है, यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन में, ये क्या हो जाएगा हमारा अभी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसी को हम, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल क्या होता है बोलिए, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब कैथोड का मतलब क्या होता है बोलिए, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करेंगे, कैथोड का मतलब जहाँ पे रिडक्शन हो रही है। और देखिए ये वाला जो हाफ सेल है जो लेफ्ट में होता है, इसको बोलते हो आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल, आपको पता ही है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पे क्या काम करेगा बोलेंगे तो एनोड का काम करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ये वाला जो हाफ सेल है जो राइट में होता है, इसी को क्या बोलते हैं भाई हम, आपको मालूम है रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं इसको हम। सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो सॉल्ट ब्रिज के यू शेप की जो ट्यूब होती है, यही क्या हमारा यहाँ पर, ये यू शेप की ट्यूब है ये हमारी, डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, देख लीजिए पैरेलल लाइन ले रखी है हमने, यही क्या हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है जो टू हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है जी। अब ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल जो राइट साइड में मिलेगा हमारे को, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। अब यहाँ पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये क्या काम करेगा, यहाँ पे कैथोड का काम करेगा। अब ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड माइनस एनोड, यानी ये वैल्यूज दे रखी है देख लीजिए ई नोट की। तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचें इस बात को, तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड मतलब कॉपर टू प्लस कॉपर, एनोड मतलब ई नोट जेड एन टू प्लस जेड एन, तो ये तो हो गया ई नोट सेल, यानी ई नोट कैथोड मतलब जहाँ पे रिडक्शन हो रही है माइनस ई नोट एनोड, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है माइनस 0.0591 अपॉन में एन, ठीक है जी, एन की वैल्यू अभी देख लेंगे हम लॉग। अब देखिए प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, अब कैसे पता चलेगा देखिए, आपको ये रिएक्शन जो आपको रिप्रेजेंट कर रखी है इसके हिसाब से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है, जेड एन जो है अपने आप को किस में चेंज कर रहा है, जेड एन टू पॉजिटिव आयन में, जेड एन किस में चेंज कर रहा है अपने आप को, जेड एन टू पॉजिटिव आयन में बाय द लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, और वही टू इलेक्ट्रॉन क्या है कॉपर टू प्लस ले रहा है, कॉपर टू प्लस ले रहा है, वो अपने आप को किस में चेंज कर रहा है जी कॉपर में सॉलिड में, तो जेड एन सॉलिड है ऑक्सीडेशन करा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, जेड एन टू पॉजिटिव आयन देता है आपको, यानी ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 मोलर, कॉपर टू पॉजिटिव आयन की वैल्यू कितनी है बोलेंगे तो कितनी वैल्यू दे रखी है 0.01 मोलर, ये देखिए आप। अब एरो के इस साइड वाली साइड कौन सी हो गई बोलेंगे तो प्रोडक्ट की साइड होगी, एरो के इस साइड वाली साइड की बात करेंगे तो ये वाली साइड कौन सी होगी तो बोलेंगे तो रिएक्टेंट वाली साइड होगी, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ये है देख लीजिए अब आप ये वाली साइड, तो कॉपर सॉलिड तो क्या हो जाएगा यूनिटी भाई, प्योर स्टेट में है कॉपर हमारा और ये सॉल्यूशन के अंदर है ये आयंस, तो आप क्या करेंगे इसको तो यूनिटी कर देंगे वन कर देंगे आप, तो बचा क्या हमारा बोलेंगे तो जेड एन टू पॉजिटिव, ठीक है जी, एक्वस बाद में वैल्यू उठा के रख लेंगे, अभी कंसंट्रेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। अब अपॉन में
रिएक्टेंट वाली साइड, रिएक्टेंट ये जेड एन और कॉपर टू प्लस, तो आपका जेड एन तो सॉलिड हो गया यूनिटी, बचा क्या कॉपर टू प्लस। एक्वस कंसंट्रेशन देख लेंगे, ये इतनी दे रखी है, बाद में वैल्यू उठा के रख लेंगे हम। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल के लिए हमारा फॉर्मूला सेटअप हो गया, देख लीजिए। अब इस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, वैल्यूज को उठा के पुटअप करना है आपने। देखिए ई सेल निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया ई सेल इक्वल टू में कॉपर वाले की वैल्यू कितनी है 0.34, जिंक वाले की वैल्यू कितनी है नेगेटिव में है 0.76, माइनस 0.0591। एन की वैल्यू, जेड एन कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है देख लीजिए, 2, यानी और कॉपर 2 पॉजिटिव है, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन जिंक देगा वही तो कॉपर लेगा भाई, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बात हो रही है। तो आप देख रहे हो भाई एन की वैल्यू क्या हो गई 2 लॉग, जेड एन 2 पॉजिटिव, एन की मोलर कंसेंट्रेशन कितनी है आप देख रहे हो 0.1 है, और कॉपर 2 पॉजिटिव एन की कितनी है 0.01 है। तो आप इस तरीके से आप इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो आप, तो आई थिंक सो कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू पता चल गई आपको किस तरीके से आपने वैल्यू पुटअप करनी है। तो ये तो हो गया आपका ईएमएफ कैसे निकालते हैं आप, ईएमएफ की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं जी। अब देखिए अब कई बारी क्या होता है, देखिए ध्यान देने वाली बात होती है यहाँ पे कि जैसे कई बार रिएक्शन आपको इस टाइप से दे रखी हो, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे क्रोमियम है, ये देखिए क्रोमियम 3+, क्या आपको क्रोमियम है क्रोमियम 3+, ये सॉल्ट ब्रिज दिया हुआ है हमारे को। अब यहाँ पे दे रखा है आपको, लेट अस सपोज आपको बोल रहा है ए जी, ठीक है जी, ए जी और पॉजिटिव है, और ये दे रहा है आपको ए जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए ये आपके पास में क्या है 0.1 है मोलर, और ए जी प्लस क्या है आपका 0. ठीक है जी 0. आपका 0.1 मोलर, चलो सेम ही ले लेते हैं पहले वाले की तरह ही। अब देखिए अब ये आपको केस दिया हुआ है, अब इस केस में आपको बोलते हैं कि भाई आप इसमें नैनेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके बताओ, आप इस पर नैनेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके बतानी है आपने। अब आप देखिए तो ए सेल इक्वल टू में ई नोट सेल ले लेंगे हम भाई, ई नोट सेल ले लेंगे कैथोड माइनस एनोड करके, इनके पोटेंशियल की वैल्यू जब दे रखी होगी हमारे को, तो माइनस 0.0591 अपॉन में एन। बात यहाँ पे मैं जो मेन बात समझाना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं आपको एन की वैल्यू को बताना चाहता हूँ आपको, बाकी ए नॉट सेल के लिए जो आपके पोटेंशियल्स की वैल्यू होगी वो तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी होगी भाई। क्रोमियम के लिए क्या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू, ए जी के लिए क्या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू, वो ऑलरेडी आपको गिवन होगी आपके लिए। बस प्रॉब्लम जो यहाँ पर जो अराइज होने वाली है वो एन को लेकर के है। अब मैं आपको यहाँ पर यही समझाना चाहता हूँ आपको, देखिए क्रोमियम है, क्रोमियम है, क्या कर रहा है अपने आपको किस में चेंज कर रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन में, और ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ए जी पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है ए जी में। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए नीचे वाले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए आप, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की वैल्यू क्या होगी बोलेंगे तो हम यहाँ पर भाई आप बोलेंगे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन के अंदर, तो एन की वैल्यू क्या होगी 3 लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, आप क्रोमियम प्लस 3 ए जी पॉजिटिव एन, और ये क्या हो गया क्रोमियम 3 प्लस प्लस 3 ए जी, ये हो गया। अब प्रोडक्ट देखे तो प्रोडक्ट क्या है आपका, ये है देखिए इस साइड वाला, तो प्रोडक्ट में क्या है, ये तो सॉलिड हो गया, कंसंट्रेशन 1 होगी, क्रोमियम 3 पॉजिटिव एन रखेंगे, इसका मतलब एक्वस जो भी कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी ये वैल्यू उठा के रख देंगे बाद में आप। अब
अब रिएक्टेंट की बात करते हैं तो एजी पॉजिटिव आयन देख लो कितने आपके पास में, 3 मोल है इसके। तो जो भी आपको मोलर कंसंट्रेशन गिवेन होगी, जो भी आपको यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन दे रखी होगी, जैसे 3 मोल दे रखे हैं आपको, तो आपको क्या करना है वहाँ पे देखो, एजी पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है, जितने मोल गिवेन है उसे आपने पावर में इंडिकेट करना है, यानी आपने एजी पॉजिटिव आयन की पावर क्या लगा देनी है आपने, 3, क्योंकि यहाँ पर 3 मोल दिए हुए हैं। पहले वाले केस में तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैलेंस थे, वहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ा, तो आप देख रहे हो भाई ये क्या हमारे पास में 3 मोल हो रहे हैं एजी पॉजिटिव आयन के, जितने ये मोलर कंसंट्रेशन होगी उसे पावर में इंडिकेट करना आपने। यानी अब आप जब वैल्यू रखेंगे तो क्रोमियम वाले की वैल्यू क्या है, 0.1 है, ये तो एज इट इज रख देंगे। एजी पॉजिटिव आयन की जब रखेंगे 0.01, उसका क्या करेंगे आप, क्यूब करेंगे आप। तो इस तरीके से बाकी ये रही बात ए नॉट की, बात तो ए नॉट की जब बात करेंगे तो इसकी वैल्यू या तो डायरेक्टली दे रखी होगी या इनके पोटेंशियल्स की वैल्यू आपको अलग अलग दे रखी होगी। तो आपको पता है ये कैथोड है और ये एनोड है, तो कैथोड माइनस एनोड करके ई नोट सेल आप निकाल सकते हैं आप। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी कि ईएमएफ ऑफ सेल में आप किस तरीके से आप वैल्यूज को आप पुटअप करना होता है आपने। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं भाई थर्ड केस की, इसमें मैं बात कर रहा हूं आपसे कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, जिसको हम बोलते हैं केसी। अब आप ध्यान दीजिए, अब सेल रिएक्शन दे रखी है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में दे रखी है, जैसे जेड एन सॉलिड है, ये देखिए आप प्लस में कॉपर 2+ है, एक्वस है, अब देखिए जेड एन 2+ है, एक्वस है, प्लस कॉपर है, सॉलिड है। अगर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, मोलर कंसंट्रेशन बोथ साइड्स इक्वल होती है, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे करंट फ्लो नहीं होती, देयर इज नो करंट फ्लो। तो उस कंडीशन में आपका जो ई सेल है, ई सेल की वैल्यू होती है डेट इज इक्वल टू 0, यानी नेक्स्ट इक्वेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो ई सेल की वैल्यू तो 0 पुट अप कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, वही कैथोड माइनस एनोड से निकल आता है, माइनस 0.0591 अपॉन मैन लॉग पोडेट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पोडेट की कंसंट्रेशन ये जेड एन टू पॉजिटिव एन एक्वस, इस कंसंट्रेशन को कौन सी कंसंट्रेशन बोलेंगे आप, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट वाली साइड की बात करेंगे तो जेड एन, इसकी कंसंट्रेशन तो यूनिटी हो जाएगी, जैसे कॉपर की यूनिटी हुई है हमारी, तो यहाँ पर आपका क्या होगा जी, कॉपर 2+ एक्वस की वैल्यू हो जाएगी, और ये कंसंट्रेशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम। अब ये जो कंसंट्रेशन है हमारी, बोलेंगे दोनों साइड सेम है तो आप बोलेंगे कॉन्स्टेंट वैल्यू बनेगी, तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं ना भाई, हम जेड एन टू पॉजिटिव एन एक्वस, कॉपर 2+ एक्वस, डेट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं केसी। तो इसको हम अनदर कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या हमारा केसी। तो यहाँ पे बोलेंगे हेयर केसी इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इसी केसी को क्या बोलते हैं, बोलेंगे हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो ये टर्म हमारी जब कॉन्स्टेंट हो रही है तो इसको हमने अनदर कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, और उसे हमने केसी से सिंबल दिया हुआ है। तो फाइनली अब देख लीजिए हमारे पास केस क्या हो गया, केस क्या हो गया, देखिए अब आप, अब ये तो 0 ही है तो हम लिख सकते हैं ना भैया, यहाँ पर ई नॉट सेल इक्वल टू में 0.0591 अपॉन में एन लॉग केसी, ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया अगर हमारे को केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो, ठीक है जी, केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो आप बोल सकते हो भाई लॉग केसी इक्वल टू में आप बोल सकते हैं ई नॉट सेल इनटू में एन अपॉन में क्या हो गया 0.0591,
अगर मैं केसी की बात करूं तो लॉग को यहां से हटा दो तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, आप बोलेंगे ई नॉट सेल इनटू मैन अपॉन 0.0591। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट आप केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप केसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो ये तो बात होगी आपके नर्स्ट इक्वेशन की, जिसमें हमने थ्री डिफरेंट केसेस को लेकर के बात करी आपसे। अब आगे बात करते हैं आपसे, नेक्स्ट केस है हमारा रिलेशनशिप इन बिटवीन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी नॉट की बात कर रहे हैं आपसे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, इसका सिंबल क्या हो गया बोलेंगे तो हम ई नॉट सेल, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन देनी है जी। देखिए आप, अब यहां पर हम बात करेंगे आपसे व्हेन ए सेल रिएक्शन टेक प्लेस यानी किसी सेल में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, व्हेन ए सेल रिएक्शन टेक प्लेस देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। जब आपकी रिएक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में क्या मिलेगी हमारे को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है एंड इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड फ्री एनर्जी या फिर और गिव्स फ्री एनर्जी भी बोल सकते हो, एक ही बात है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलेंगे डिक्रीजेस। बात को समझिए आप, अगर मान लीजिए कोई सेल है उसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन के दौरान क्या मिल रही है हमारे को, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो अगर सेल कोई भी वर्क करेगा तो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके करेगा और उसी वर्क डन को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलेंगे। अगर कोई सेल है वर्किंग कर रहा है तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन ए सिस्टम डैट कैन बी कन्वर्टेड इन टू सम यूजफुल वर्क, यानी कि जो एनर्जी किसी भी सिस्टम में अवेलेबल होती है एक्स्ट्रा अमाउंट में, जिसको यूज करके हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, गिव्स फ्री एनर्जी कहलाती है। तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वर्क डन हो रहा है यहाँ पे हमारे लिए। तब आप बोल सकते हैं ना, देखिए भैया आप बोल सकते हो भी डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है जी, बाय द सिस्टम, यानी जितना आप इलेक्ट्रिकल वर्क डन करोगे आप उतनी ही एनर्जी में डिक्रीजमेंट आएगी। तो हम बोल सकते हैं ना भाई, जितना हम वर्क कर रहे हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखिए अब आप इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन की बात करते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे पास्ट इनटू आपका होता है ईएमएफ, ये फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालने का, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट इनटू में ईएमएफ। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इसके लिए क्या क्या होता है हमारा भाई, एन एफ। अगर आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, डेट इज इक्वल टू एन एफ। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, एफ मतलब फैराडे कॉन्स्टेंट। ई एम एफ सिंबल दे दिया हमने ई, ठीक है जी। आप देखिए, सो डैट हम बोल सकते हैं ना भाई, हम डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी का सिंबल क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी। गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। डिक्रीजमेंट हो रही है वैल्यू, डिक्रीजमेंट के लिए नेगेटिव साइन। तो अब इक्वल टू में क्या हो गया हमारा, एन एफ ई। फॉर कंपेयरिंग, आगे बात करते हैं आपसे, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट सेल्स, अगर हम डिफरेंट सेल्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी, उनके वर्क डन को कंपेयर कर रहे हैं, उनके डिक्रीज इन फ्री एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट सेल्स, ठीक है जी, देन स्टैंडर्ड कंडीशंस आर अप्लाइड। तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस को अप्लाई करते हैं अगर हम डिफरेंट सेल्स को कंपेयर कर रहे हैं, उनके वर्क डन को कंपेयर कर रहे हैं, उनके डिक्रीज इन फ्री एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड स्टेट के लिए क्या करेंगे फिर हम, डेल्टा जी नोट हो जाएगा हमारा इक्वल टू में आप क्या बोलेंगे, एन एफ और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड हो जाएगी, ई नोट सेल बोलेंगे इसको हम। तो हमारा रिजल्ट आपका देख लीजिए इस फॉर्म में आ गया, माइनस डेल्टा जी नोट इक्वल टू में एन एफ ई नोट सेल। तो ये आपका रिजल्ट हो गया और यही आपकी क्या होगी, रिलेशनशिप हो गई। इसके बाद एक छोटी सी बात मैं आपसे और करना चाहूँगा। अगर आपसे बोलते हैं कि भाई देखिए, रिलेशनशिप इन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है जी, डेल्टा जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम केसी सिंबल दे रहे हैं। तो डायरेक्ट रिजल्ट को यूज़ करेंगे, डेरिवेशन हमारे लिए कोई नीड नहीं है यहाँ पे करने का, इस डायरेक्ट हमारे को फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स के लिए, तो हम फॉर्मूले को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नॉलेज में होना चाहिए आपको ये रिलेशन आपकी, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग केसी। तो ये हमारा रिजल्ट होता है इस रिलेशनशिप के केस में, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू में माइनस 2.303 आरटी लॉग केसी। हेयर आर क्या है, इज द गैस कांस्टेंट, आर इज द गैस कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज क्या हमारे पास में, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। आगे क्या है हमारा, टी इज द टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है जी। केसी तो आपको पता है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिए। वाह,